नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू वीडियो सीरीज में जिसका नाम है वोकैबुलरी नाइट टू हिट इट राइट। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज आजकल के सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक कंपलसरी पार्ट बन गया है। जैसे हम अगर बैंकिंग एग्जाम लेते हैं तो नॉर्मली हमें एक ऐसा वर्ड दे दिया जाता है एग्जाम में जिसका हमें सिमिलर वर्ड या तो ऑपोजिट वर्ड पहचानना होता है। इसीलिए हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है कि हम इंग्लिश में वो कमांड हासिल करें, और इंग्लिश में वो कमांड हमें अच्छी वोकैबुलरी होने से ही आ पाएगा। और ना ही सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम, अगर हम यूपीएससी मेंस का आंसर राइटिंग ले लेते हैं तो जब हम आंसर लिखते हैं तो अगर हम अच्छे अच्छे वर्ड्स का, जो नॉर्मल से थोड़े डिफरेंट वर्ड्स हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं हमारे आंसर राइटिंग में, तो वो डेफिनेटली हमें हमारे कॉम्पिटिटर के कंपेरिजन में ज़्यादा मार्क्स दिलवाएगा। और ना ही सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हम अगर डे टू डे लाइफ में भी अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो वो हमें पर्सनली बहुत ही डेवलप करेगा। जैसे हम अगर शशि थरूर जी का एग्जाम्पल लेते हैं तो उनमें वो कॉन्फिडेंस, उनमें वो फ्लुएंसी झलकती है, उनका वो कमांड इंग्लिश लैंग्वेज का हमें उनकी ओर आकर्षित करता है। तो उनका ये कमांड क्यों है? सिर्फ और सिर्फ उनके अच्छे वोकैबुलरी के वजह से। इस वीडियो सीरीज़ को प्रेजेंट करूँगी मैं, नेहा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है पैट्रनेज, जो कि होता है एक नाउन। अब नाउन मतलब होता है संज्ञा। जब भी हम हमारे सेंटेंसेस में किसी पर्टिकुलर जगह, किसी व्यक्ति या किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, मतलब कि हम एक नाउन का यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कह रहे हैं जयपुर एक पिंक सिटी है, मतलब कि हम जयपुर का एक पर्टिकुलर नाम का यूज़ कर रहे हैं, तो जयपुर क्या हो गया? जयपुर एक नाउन हो गया। उसी तरह पैट्रनेज भी एक नाउन है, जिसका मीनिंग है सपोर्ट गिवन बाय समवन। जब भी कोई व्यक्ति हमें किसी प्रकार का सपोर्ट करता है, हमें किसी प्रकार की मदद करता है, मतलब कि वो हमें पैट्रनेज दे रहा है। अब पैट्रनेज को याद रखने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है, जो कि है हमारे पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या करते हैं? जैसे कि वो हमारी हेल्प करते हैं, वो हमें असिस्ट करते हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं, वो हमें एक चैम्पियन बनता हुआ देखना चाहते हैं, वो हमें सारी ही मुश्किलातों से प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब कि वो हमें पैट्रनेज दे रहे हैं। इसीलिए अगर एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है कि आपको पैटर्नेज का एक सिमिलर वर्ड बताना है, तो आपको तुरंत ही अपने पेरेंट्स को याद करना है, और जो भी हमारे पेरेंट्स हमारे लिए करते हैं तो सारे ऑप्शंस में से जो भी उससे मिलता जुलता शब्द होगा उसे टिक मार्क करना है। पैटर्नेज का हिंदी में मतलब होता है आश्रय देना, सहायता करना, जैसे कि मैंने पहले ही कहा सपोर्ट करना, मदद करना। अब पैटर्नेज को और आसानी से समझने के लिए हम एक यूनिक एग्जाम्पल का इस्तेमाल करेंगे। अब एग्जाम्पल की स्लाइड देख के आप लोग भावनाओं में मत भइएगा। अरविंद जी ने कहा, हमने राहुल जी से पैट्रनेज मांगा मगर उन्होंने लगभग मना ही कर दिया। पैट्रनेज मांगा मतलब कि अरविंद जी चाह रहे थे कि राहुल जी उन्हें सपोर्ट करें, लेकिन उस पर राहुल जी ने कहा, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। अब हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है स्पर। पैट्रनेज की तरह ये भी एक नाउन है, एक संज्ञा है, जिसका मीनिंग होता है अ थिंग दैट प्रमोट्स और एनकरेजेस समवन, जो कि हमें एनकरेज करता है, हमें प्रोत्साहित करता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। जैसे कि हमारी माँ हमारे लिए स्पर है, वो हमारी माँ से हमें एक प्रेरणा मिलती है, तो इसीलिए हमें एक एनकरेजमेंट मिलती है, तो हमारी माँ क्या हो गई? हमारा स्पर हो गया, हमारा स्टिमुलस हो गया। हिंदी में स्पर का मतलब होता है प्रेरणा। हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो हमें ईजीली समझ आएगा। जैसे कि अरविंद जी का स्पर क्या है? अन्ना जी। अरविंद जी ने कहा, आई डिड इट ऑन द स्पर ऑफ अन्ना जी। अरविंद जी ने क्या किया अन्ना जी के स्पर में? अन्ना जी से प्रेरणा लेके, अन्ना जी से प्रोत्साहित होकर अरविंद जी ने अपनी एक पार्टी खड़ी की। उस पर अन्ना जी ने अरविंद जी से कहा, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। आइए हमारे थर्ड वर्ड पे, जो कि है कोरोबोरेशन, जो कि फिर से एक संज्ञा है, एक नाउन है, जिसका मतलब होता है एविडेंस विच कन्फर्म्स और सपोर्ट्स अ स्टेटमेंट, थ्योरी और फाइंडिंग, यानी कि एक कन्फर्मेशन। आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि कोरोबोरेशन कोलैबोरेशन से बहुत ही डिफरेंट है। कोलैबोरेशन का मतलब ये होता है कि जब भी दो व्यक्ति आपस में मिलकर काम करने के लिए समझौता करते हैं, हामी भरते हैं, उसे हम कोलैबोरेशन कहते हैं, वो मिक्सअप होते हैं, कोलैबोरेट होते हैं। लेकिन कोरोबोरेशन का मतलब होता है कोई पुख्ता सबूत, किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए जो भी सबूत का हम यूज़ करते हैं उसे हम कोरोबोरेशन कहते हैं।
अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसे इसके सिनोनिम हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप एग्जाम में यूज भी कर सकते हैं आंसर राइटिंग के वक्त, जैसे कि हो गया रेटिफिकेशन, एक्रीडिटेशन, सब्सटेंशिएशन, बैकिंग और री एनफोर्समेंट। ये एग्जाम में आप अपना आंसर राइटिंग के वक्त भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से सब्सटेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी भी यूज़ किया। अब कोरोबोरेशन का आपको मतलब तो समझ गया, जो कि हिंदी में होता है मंडन। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। राहुल जी ने कहा, आई हैव प्रोवाइडेड इनफ कोरोबोरेशन इन रफाल करप्शन। मतलब राहुल जी क्या कहना चाह रहे हैं, राहुल जी कहना चाह रहे हैं कि रफाल में करप्शन हुआ, इसके लिए मैंने बहुत सारे सबूत पेश किए हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है रिपील, जो कि पहले वाले वर्ड्स की तरह एक नाउन नहीं है लेकिन एक वर्ब है। वर्ब क्या होता है, कोई भी स्टेट ऑफ एक्शन, मतलब हम क्या कर रहे हैं उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे हम अगर खा रहे हैं यानी कि हम ईट कर रहे हैं, तो ईट क्या हुआ, एक वर्ब हुआ। हम कोई एक्शन कर रहे हैं इसीलिए ईट एक वर्ब हो गया। अब रिपील देखते हैं, वैसे ही रिपील भी एक वर्ब है, एक एक्शन है। रिपील यानी क्या होता है, रिवोक करना या अनिल करना। जब भी हम किसी चीज़ को अमान्य घोषित कर देते हैं, इनवैलिड घोषित कर देते हैं, मतलब कि हमने उसे रिपील कर दिया, जिसका हिंदी में मतलब होता है निरसन। हम इसे बहुत अच्छे से एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, जैसे कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हमारा 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अमान्य घोषित कर दिया है, यानी कि उसने रिपील कर दिया है। सिमिलरली आजकल देश में बहुत ऐसी बातें हो रही हैं कि सब लोग चाह रहे हैं कि हमारा जो आर्टिकल 370 है, जो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, उसे भी सब लोग चाहते हैं कि वो भी रिपील हो जाए, इनवैलिड घोषित हो जाए। आते हैं हमारे लास्ट वर्ड पे, जो कि है पर्निशियस। अब ये पर्निशियस क्या है, पर्निशियस एक एडजेक्टिव है, ना ही वो नाउन है ना ही वो वर्ब है। अब एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव एक क्वालिटी होती है, जैसे कि ब्यूटिफुल हो गया, ब्यूटिफुल क्या हो गया, एक क्वालिटी हो गया। इसीलिए वैसे ही पर्निशियस भी एक क्वालिटी है, जिसका मीनिंग है हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट स्पेशली इन अ ग्रेजुअल और सटल वे, यानी कि जो हमारे लिए हार्मफुल है, जो हमारे लिए खराब है, अनहेल्दी है, पॉइजनस है, उसे हम पर्निशियस कहते हैं। जो हमारे लिए हिंदी में अगर हम देखेंगे तो नुकसानदेह है, विघातक है, घातक है, उसे हम पर्निशियस कहते हैं। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। विजय माल्या जी ने कहा, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल इज पर्निशियस फॉर इंडिया। अब माल्या जी तो ऐसा कहेंगे ही, इसे हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू कहते हैं। हम लोग ने देखा है कि स्मोकिंग जो भी लोग करते हैं तो उन्हें पता होता है कि वो उनके लिए कितना हार्मफुल है, कितना पर्निशियस है, फिर भी वो यूज़ करते हैं। इसी के साथ हम हमारे वीडियो को समाप्त करते हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम ये हमारी सीरीज़ कंटिन्यू कर सकें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।